चित्रकूट की ओर ले चलते हैं, जहां चित्रकूट बड़गढ़ आदर्श कॉलोनी में एक विवाहिता के साथ बलात्कार करने की गई कोशिश। बता दें कि आदर्श कॉलोनी में रहने वाली उमा काल्पनिक नाम पत्नी संजय ने बताया कि कल रात्रि 26 मई 2020 को मैं अपने घर पर अपने बच्चों के साथ सो रही थी। मेरा पति बारात में कोई रिश्तेदारी में गया हुआ था, तभी वहां पर रहने वाला सचिन मेरे घर में घुस आया, क्योंकि मेरे घर में दरवाजा नहीं था। गर्मी के मौसम के कारण बरामदे में ही लेटे थे, तभी सचिन ने आकर मेरा मुंह दबाकर गलत नीयत से अंदर ले गया, मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया तो मैंने उसको मारा, जिससे वह बौखला गया। उसने विवाहिता उमा को पकड़कर घर के बाहर ले जाकर किसी चीज से मारा, जिससे उसके सिर पर चोट आई। लेकिन जब वह थाने गई तो वहां उसकी रिपोर्ट 323-504-506 में दर्ज हुई। विवाहिता का आरोप है कि मेरी एप्लीकेशन बदल दी गई है। विवाहिता कितना सही बोल रही है, कितना झूठ, या तो जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन एसएसआई अरविंद मिश्रा तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर विवाहिता का मेडिकल चेकअप के लिए भेजा। लेकिन विवाहिता का आरोप है जो धारा पुलिस द्वारा लगाई गई है, वह उससे असंतुष्ट है। लेकिन आप जानते हैं, एसएसआई अरविंद मिश्रा मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्यवाही में लग जाते हैं, फिर भी इस विवाहिता को न्याय न मिलना गले नहीं उतर रहा है। विवाहिता ने यह भी बताया, इससे पहले भी हमारा झगड़ा हुआ था, जो अराजकता का राजीनामा कर दिया गया था। जब यह जानकारी नौ ब्यूरो रोहिणी कुमार ने एसएसआई अरविंद मिश्रा से जानकारी किया तो उन्होंने बताया उन्होंने आपस में राजीनामा कर लिया था, इसी कारण सचिन नाम के लड़के के हौसले बुलंद हो गए थे, जिससे उसने यह दुस्साहस कदम दोबारा उठाया। यदि इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो यह दोबारा भी ऐसा कर सकता है, यह महिला का कहना है। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है, इसमें पूर्व प्रधान सुशीला देवी का सहयोग प्राप्त है, जिस कारण सचिन नाम के लड़के के हौसले बुलंद है। बताया जाता है इससे पहले उसके पति संडे को भी लोगों ने मारा था, जिससे कि उसके संबंधों में कार्रवाई ना होने पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। महिला सही बोल रही है या पुलिस, लेकिन महिला द्वारा लगाया जा रहा या कितना सही है कितना गलत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला के प्रति इतनी दूर तक कार्रवाई के लिए कहा जाता है कि महिला की पहले सुने। लेकिन चित्रकूट जिले में बड़गढ़ थाने में धारा 323-504-506 NCR दर्ज की जाती है। बाकी NCR क्या होता है हम आपको बताते हैं। उसी ओर उधर नॉर्मल क्रिमिनल रिपोर्ट आकर मुकदमा पंजीकृत करवा कर ऐसी आदत चली जाती है। ऐसे कई मामले मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार के सामने आए हैं। आखिर SSI अरविंद मिश्रा, जो अपने काम में बहुत ही लगन से माने जाते हैं, फिर NCR बड़गढ़ थाने में लिखी क्यों की जाती है, आखिर ऐसी क्या वजह है। NCR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। उमा का कहना है, यदि हमको न्याय में नहीं मिलता तो हम ऊपर तक जाएंगे। ऐसी नौबत क्यों आए कि कोई ऊपर तक जाए, जबकि SSI अरविंद मिश्रा मामले को तुरंत थाने में लग जाते हैं। लेकिन किस महिला को न्याय कम मिलेगा। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा कितना भी कर्मचारियों को आदेश दे दें, लेकिन कितना पालन हो रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह देखना बाकी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में मौजूद रहे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल मऊ, रिपोर्टर दिनेश कुमार द्विवेदी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा प्रकरण, क्या मामला है? सर मैं यहाँ सोती थी, वो आया। कौन आया? सचिन नाम का लड़का। हाँ। वो आया, गेट नहीं लगा था, तो मैं यहाँ सो रही थी, तो मुझे ले गया मोटा आपके अंदर। तो जब मैंने अंदर गई तो मेरे बच्चे थे, तो खटिया ने मुझे पटक दिया। तो उसका जब बलात्कार करने की नियत देखे हमने, तो हमने उसको लात मारा। तो जब लात मारा तो फिर से मुझे पकड़ा, फिर से मुझे पटक दिया बक्से में।
जब बक्से में पटक दिया सर, तो मैंने फिर से लात मारा, तो मुझे जब लात मारा मैंने गला पकड़ लिया उसका और वो मुझे पटक था, फिर मुझे ईंट मार दिया। जब मेरे संजय पति आ गए मेरे उसके सामने, तब तक वो भगने की कोशिश किया, फिर मैंने लगा था मेरे चोट, तब भी मैंने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, तब भी मुझे फिर से दोबारा पटक दिया। जब मेरे खून निकल गया सर, तो मैंने उसको छूट गया मेरे हाथ से, फिर वो भाग गया। थाने गई हो? थाने गए थे सर। तो थाने में क्या हुआ? थाने में रिपोर्ट लिखवा लिए थे, मेडिकल के लिए भेज दिए थे, फिर मैंने जब वहाँ से दूसरी रिपोर्ट दिए थे, तो यहाँ दूसरी रिपोर्ट बना लेगी। कौन बना दिया दूसरी रिपोर्ट? अरविंद सर दूसरी रिपोर्ट लिखा लिए थे। अच्छा। मेरे जब तक मैंने चिल्लाया था तो वो मुंह मेरा दाबते रहता था, जब मेरे चोट लग गई थी तब मुझे। और वहाँ पर कौन कौन मौजूद था थाने में जब तुम गई थी? वहाँ सर लोग सब थे, हम नहीं सबको पहचानते। वो सुशीला प्रधान थी, वही लिखाई थी, दूसरा केस लिखा दी थी। वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी अगर तुम अगर दोबारा ऐसे। क्या पुलिस के सामने कह रही थी? हाँ पुलिस के सामने। तो पुलिस कुछ नहीं एक्शन लिया? कुछ नहीं बोली। हाँ ये तो सही बता रही हो तुम बिल्कुल। जी अरविंद मिश्रा के सामने सर वो बोलती थी मुझे। बिल्कुल सही बता रही हो? बिल्कुल सही बोला। अरविंद मिश्रा जी ने कोई ऑप्शन नहीं लिया? कुछ नहीं बोले। अरविंद मिश्रा जी कौन है?